हेलो पप्पू जी। हाँ सर, नमस्कार पप्पू सर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। हमारे पास एक और मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, आपके आवाज को सुन रहे हैं। जी 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 कल ज्वाइन किए हैं, मैच लगाए थे, अभी फिर मैच लगा दिए, आप लोग भेजे थे लिस्ट तो। हाँ, ये आर्मी रिटायर है, थोड़ा सा इनको बताइए कि काम कैसा रहेगा और आप कितना दिन से कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, दोनों चीज बताइए। कितना लगाए हैं पूछिए पप्पू जी से। हाँ, पर कितना लगा के कहाँ तक बढ़े हैं बोलिए, सुन रहे हैं ये। जी सर, जी सर, बोले सर क्या कि हम तो 15 जनवरी को सर ज्वाइन किए है ना, 500 रुपया लगा करके, समझे ना। और 500 रुपया लगा के टीम बनाने का सर बहुत भरसक प्रयास किए, मात्र 15 जनवरी से 23 जनवरी तक में 72 लोग का टीम बना दिए थे। और पहला सैलरी सर 23 का क्लोजिंग हुआ तो उसमें 42 आदमी बैटिंग किया तो 3,500 का सैलरी आया सर। समझे, अच्छा, 30 के टारगेट पे दिया सैलरी, 50 कुर्ता तो 8,000 देता, तो पहला सैलरी मेरा 3,500 का आया। और उसके बाद फरवरी में जो मेहनत किए उसका सैलरी आया सर हमको 30,000 रुपया, समझे। ठीक है, 1 मार्च को आया 30,000 रुपया। और इसके साथ साथ मेरा 1 तारीख को देता है जी, 1 तारीख को हम करेंटली दे देता है। और इस बीच में मेरा 28 फरवरी को एक चैरिटी का फंड आया जो कि वो 11,000 रुपया का फंड आया जो कि बांटने के लिए हम लोगों को दिया गया था। ठीक है ना, तो क्या, क्या बांटे? उसमें चीनी और आलू, आलू 20 लोग को मतलब 5-5 किलो आलू और 2-2 किलो चीनी है ना, 40 अच्छा। किलो चीनी और 1 क्विंटल जो है आलू बांट दिए वो चैरिटी फंड दे दिए। उसके बाद सर फरवरी में बांट दिए। उसके बाद हम मार्च में 21 मार्च को हमको आया फंड सर 2,20,000 का, जो कि हमको मीटिंग करने के लिए फंड दिया गया। ठीक है। जो हमारे टीम के लीडर थे, 700 लोगों का टीम हो गया था मेरा इसी महीना में, मैंने कही मार्च 21 मार्च को हम मीटिंग किए, 18 तारीख को फंड आ गया 2,20,000 का। तो उसमें हम 2,20,000 में करीब करीब जो है 1.5 लाख खर्चा हो ही गया है। तो उसमें बहुत अच्छा मीटिंग किए, अब लोग देखे होंगे फोटो वोटो में। फोटो आया था ना। तो 21 तारीख को मीटिंग किए, 2,20,000 का फंड दिया कंपनी, और सबसे बड़ा फंड हमको मिला है झारखंड बिहार लगा के। अरे बाबा रे, इतना बड़ा फंड मिला था किसी को 50 मिनट, मतलब परफॉर्मेंस पे देता है फंड। हाँ, परफॉर्मेंस पर, एक्टिविटी पे सब देखता है, आपका देखता है क्या रुझान है उस पर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इस महीने मेरा टारगेट मतलब कहिए कि 2 लाख के करीब था लेकिन 150 लोग का घट गया है ना, नहीं तो 2 पकड़ा था। 1 लाख का सैलरी मेरा फाइनल है, आना ही है 1 तारीख को। और अभी मेरा पर डे का जो है इन्वेस्टमेंट 1.5 से 2 लाख के करीब पहुंच रहा है, 1.5 के करीब है, 2 के करीब है। तो उससे मेरा 4 से 5 हजार के करीब वो आ रहा है पर्सनल इन्वेस्टमेंट का। और वीकली इनकम जो डेली वाला जो आता है वो 2,900 रुपया कल का है पर डे। अच्छा, तो लगभग 7-9 हजार के करीब जो है डेली का इनकम आ रहा है अभी। ठीक है ना, पर डे का बात है। और लगभग इनकम टोटल जोड़िएगा तो सर लगभग जो है ना मतलब 4 लाख